भारत में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों में एक बार फिर से रिकॉर्ड उछाल दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 10,956 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जो कि एक दिन में इतने केस का अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। वहीं देश में अब तक की सबसे ज्यादा 396 मौतें हुई हैं। भारत में अब तक कुल केस 2,86,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। वहीं 8,102 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। राहत की बात यह है कि 1,41,029 लोग अब तक कोरोना के संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल 1,37,448 कोरोना केस एक्टिव हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के डायरेक्टर प्रोफेसर बलराम भार्गव ने एक सर्वे का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत में प्रति लाख जनसंख्या में 0.73 ही कोरोना मरीज हैं। ऐसे में इसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहना गलत होगा। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि ये सर्वे 30 अप्रैल तक का है और भारत में कोरोना के मामले 1 मई के बाद से ही ज्यादा बढ़े हैं। लद्दाख सीमा पर बातचीत के बीच चीन कोई मनमानी न कर सके, इसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अधिकारियों की बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच भी भारत चीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करने वाला। भारत ने चीन को दो टूक जवाब दे दिया है कि जब तक LAC के करीब आए उसके सैनिकों को हटाया नहीं जाता, भारतीय सैनिक भी 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे। गुरुवार को सूत्रों से मिली जानकारी में ये कहा गया कि आर्मी यूनिट और एयरफोर्स 3 सेक्टर्स में पूरी तरह तैयार हैं। ये तीनों सेक्टर 3,488 किलोमीटर में फैले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आते हैं। इनमें वेस्टर्न लद्दाख, मिडिल उत्तराखंड हिमाचल, ईस्टर्न सिक्किम अरुणाचल शामिल हैं। भारत की इस पर भी पैनी नजर है कि चीन अब किसी नए इलाके पर अपना हक जताने की कोशिश न करने लग जाए। सेना की तैयारी पर बात करते हुए एक सूत्र ने बताया कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक हमारे सैनिक ऐसे ही तैयार रहेंगे। ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक चीन LAC के पास आए अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटा लेता। इस बीच बातचीत का दौर जारी है, जिससे जल्द समाधान निकलने की उम्मीद की जा रही है। कोरोना लॉकडाउन में मजदूरों की सैलरी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इसमें फिलहाल केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। इस बीच किसी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना है कि मजदूरों को पूरा वेतन दिया जाए या नहीं। दरअसल केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि कंपनियों को लॉकडाउन के 54 दिन की सैलरी अपने कर्मचारियों को देनी होगी, लेकिन इसके खिलाफ कई कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने श्रम संगठनों और उद्योग मालिकों के बीच रास्ता निकालने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि उद्योग और मजदूर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसीलिए दोनों पक्ष समाधान की कोशिश करें। कोर्ट ने कहा कि इसमें श्रम विभाग की मदद ली जा सकती है। कंपनियां पूरा वेतन ना देने के पीछे खुद नुकसान में होने का तर्क दे रही हैं। उदाहरण के तौर पर एक कपड़ा कंपनी ने बताया कि 25 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही उसके यहाँ कामकाज बंद है और उसे 1 महीने में करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के लिए करीब 2.25 करोड़ रुपए की जरूरत है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले तेज हुई सियासी हलचल को लेकर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने BJP पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार आराम से जीत दर्ज करेंगे। सीहोर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रमेश सक्सेना ने कोरोना वायरस को लेकर एक अजीबोगरीब दावा किया। कांग्रेस नेता सक्सेना ने कहा कि कोरोना को अब केवल हनुमान चालीसा से ही भगाया जा सकता है। सुनिए। हनुमान दादा के श्री चरणों में नमन करते हुए सबको जय श्री राम। वास्तविकता यह है कि इस समय सारा विज्ञान फेल हो चुका है। पूरा विश्व वैक्सीन बनाने की तैयारी में है, परंतु बना नहीं पा रहा है। हर तरह के इलाज लोग करना चाह रहे हैं, परंतु संभव नहीं हो पा रहा है। और एक प्रकार से सबने हार मान ली है कोरोना से। अब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, अपने आप को सुरक्षित करना, यही एक साधन चल रहा है। परंतु वास्तव में
यदि लोग विश्वास करें तो कलयुग में हनुमान दादा साक्षात विद्वान है। वैसे तो चारों युगों में सीता माता ने आशीर्वाद दिया है हनुमान जी को, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, परंतु कलयुग में खासकर उनको आशीर्वाद दिया है। तो हनुमान चालीसा का यदि प्रतिदिन पूरे परिवार वाले सामुख बैठकर 11 पाठ, आप मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उस परिवार को कोरोना छू नहीं सकता। हनुमान चालीसा में एक लाइन आई है, नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हम विश्वास करें, विश्वास फलदायकम, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि हनुमान दादा की कृपा से यदि सब लोग एकजुट होकर ये ठान लें और अपने अपने परिवारों में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कोरोना निश्चित रूप से हमारे यहां से भाग सकता है।